बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करदा हाँ अल्लाह ताला दे नां तों जो बड़ा मेहरबान थे निहायत ही रहम करने वाला। आज सुबह बड़ी ही दुख भरी खबर मालेरकोटला तो मौसूल हुई कि मालेरकोटला दे आखिरी नवाब इफ्तखार अली खान साहब दी जड़ी बेगम है मुनव्वर निशा जो कि रियासत टोंक राजस्थान दी तो व्याह के मलेरकोटला एक 100 साल पहला आए सी और उन्होंने नवाब शेर मोहम्मद खान साहब मरहूम दे उस परिवार की अगवाई की थी जिस परिवार ने तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादों की शहादत के वक्त हा का नारा जोड़ा है वह मारिया। बेगम साहबा अज इंतकाल कर गई ने इस दे नाल ही मलेरकोटला रियासत दे नवाब शेर मोहम्मद खान साहब दे परिवार जिहड़ा है वो हुण कोई होर जी जिहड़ा है वह मौजूद नहीं है लेकिन इन्हां दियां जिहड़ियां कुर्बानियां ने और इस परिवार वल्लों जिहड़ा हा दा नारा लाया गया वो हमेशा तो ही मलेरकोटले दी धरती तो हमेशा जारी रहेगा हमेशा ही आपसी सांझ पाँदा रहेगा। बेगम साहिबा की उम्र 100 साल हो गई सी लेकिन अक्सर ये देखने को मिलिया असी सारे लोगों ने इस गल नू नेड़ियों भी देखिया कि उन्होंने अपने इस जीवन काल दे विच खासकर देश की वंड तो बाद पंजाब दे विच मुसलमाना और सिखा की आपसी भाईचारक सांझ नू वधाउण दे लई हमेशा ही काम किया और हमेशा ही जद भी कदी खासकर धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की गल हुंदी सी या उन्हां दे साहबजादियां दी शहादतां दी गल हुंदी सी ते बेगम साहिबा जिहड़े सी ओह हमेशा अपने उस बजुर्गां दे हा दे नारे नूं दोहरांदे सी जो नवाब शेर मोहम्मद खान साहब ने लगाया सी। ते अज जद कि बेगम साहिबा साडे दरम्यान नहीं रहे ते मैं सारी दुनिया च वसदे होए कुरान शरीफ पढ़ने वालिआं नूं बेनती करना चाहुंदा कि कुरान पाक पढ़ के उन्हां दी मगफरत दे लई उन्हां दे दर्जात दे लई और उन्हां दे पूरे परिवार दे दर्जात दे लई और पिछे जेड़े भी उन्हां दे पसमानदगान उन्हां दे रिश्तेदार उन्हां दे अजीज़ उन्हां दी खिदमत करन वाले लोग जो भी पिछे मौजूद ने अते पूरी मालेरकोटला दे विच वो सारे अजीज़ जिन्हां ने हमेशा उन्हां दा सत्कार कीता ते उन्हां दे परिवार वल्लों लगाए गए हा दे नारे नूं हमेशा जिंद जान दे नाल साम के रखिया और सिखां दे नाल मुसलमानां दी सांझ नूं बरकरार रखिया। उन्हां सारयां दे कोल मैं अफसोस दा इजहार करदा और दुआ करदा कि अल्लाह तबारक व तआला बेगम साहिबा नूं जन्नतुल फिरदौस च आला मुकाम अता करे। आमीन।